हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया लाइफस्टाइल बनारसी। जब भी कुछ तीखा चटपटा कुछ स्पाइसी सा खाने का मन हो तो बना लीजिए झटपट से ये धनिया वाले चटपटी सी आलू, इंस्टेंट बन जाएगी और बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे चटपटा तीखा स्पाइसी सा मुंह के स्वाद को डबल करने वाला चटपटा धनिया आलू। तो उसके लिए मैंने एक लिया है मिक्सी का जार। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, तो 5 से 6 हरी मिर्च में डाल रही हूँ। आप ज्यादा तीखा खाते हो तो बढ़ा सकते हो उसकी क्वांटिटी। काली मिर्च ले लेंगे, काली मिर्च की क्वांटिटी आप देख सकते हो, 1/2 छोटे चम्मच मैंने ले लिया है। इसे भी ऐड कर देंगे, ज्यादा लग रहा है मुझे, 3 से 4 बचा ले रही हूँ। वो डाल देते हैं 1 चम्मच भर के जीरा और इसे हम पीस के पेस्ट बना लेंगे। 7 से 8 मैंने आलू ले लिया था। आलू को मैंने बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। क्वांटिटी की बात करूं तो ये 1/2 kg से थोड़ा सा ज्यादा होगा। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, 2 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग फ्लेवर के लिए, चटकने देंगे थोड़ा सा इसको। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जीरा मरीच और हरी मिर्च का पेस्ट। बढ़िया से सारा ही मिला देंगे, हल्का सा पानी डाल के इसमें हम मिला के गिरी डाल देते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम इंस्टेंट बन जाती है और एकदम चटपटी से सबको पसंद आती है। और इस सब कपाती ठंड में तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। इस अंदाज से आज हम बनाएंगे चटपटा सा आलू। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। बढ़िया से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम मसाला को अभी भूनेंगे। मसाला को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो एकदम दरदरा सा हो गया है। बस इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे हमारा ये उबला हुआ आलू और फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा लो और इसको बढ़िया से चला लेंगे। इसकी लुकिंग कितनी यम्मी यम्मी लग रही है, तो इसे हम ढक देते हैं 1 मिनट के लिए। ओपन कर लेते हैं। इसे ढकने से होता क्या है फ्रेंड, 1 मिनट आप इसे जरूर ढकें कि आलू में एकदम अंदर तक पूरी मसाले की एकदम खुशबू स्वाद एकदम चला जाएगा। बढ़िया से चला लेंगे तो इसका टेक्सचर कलर से भी आप पता लगा सकते हो कि ये कितनी डिलीशियस एकदम यमी चटपटी सी हमारी आलू बनकर रेडी हुई है। तो हाई फ्लेम पे इसे 10 सेकेंड के लिए हम इसे भून लेंगे। फाइनली लास्ट में जाएगा इसमें हरा धनिया, गजब के लगते हैं एकदम। लास्ट में ही डालेगा, इसका कलर और देखते बनता है और स्वाद तो धनिया का आ ही जाएगा। बस हल्का सा चला लेंगे 5 से 10 सेकेंड। फ्लेम को करते हैं ऑफ और इस चटपटी सी आलू को करते हैं सर्व। बहुत ही चटपटी स्पाइसी एकदम मसालेदार इंस्टेंट बनके तैयार हो गई है हमारी धनिया वाले आलू। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है, एक बार बनाना तो बनता है। फाइनली बनके तैयार है फ्रेंड, बहुत ही चटपटी बहुत ही टेस्टी धनिया वाले आलू। तो आप कब बना रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आपका अपना चैनल प्रिया लाइफस्टाइल बनारसी। थैंक यू सो मच, बाय।